मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अष्टांग नियम का और एक सूत्र है, वो ये कहता है कि दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें, दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें, माने दिन जब आपका शुरू हो तो पानी से हो। और इसी सूत्र को जोड़कर बोलूं, और एक सूत्र है ऐसा ही, वो ये कहता है कि रात्रि का अंत दूध से करें, माने सोने के समय आप सोएंगे तो उसके पहले जो आखिरी वस्तु आप खाएंगे या पिएंगे वो दूध होनी चाहिए, और सुबह उठते ही जो पहली वस्तु आप पिएंगे या खाएंगे वो पानी होना चाहिए। रात्रि का अंत दूध से और सवेरे की शुरुआत पानी से करें। ये क्या सूत्र है और क्यों है? सवेरे उठते ही आप पानी पिए, ये नियम है। जब आप उठे, कोई उठेगा 4 बजे, कोई उठेगा 4:30, कोई 5, कोई 5:30, कोई 6, जब दिन आपका शुरू होता है पानी से शुरू होता है। कोई दूसरी चीज आप नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते जानना चाहिए। सवेरे जब आप सोकर उठते हैं तो रात भर आपके पेट में जो पाचन की क्रिया चली, आपने शाम को भोजन किया, भोजन के पाचन की क्रिया 6 घंटे में पूरी हो गई तो पेट खाली हो गया। अब जैसे पेट खाली हुआ तो पेट में अम्ल बनना शुरू होता है। कभी भी पेट खाली होगा तो अम्ल बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी पेट खाली होगा। तो रात में मान लीजिए आपने शाम को भोजन किया सूर्यास्त के पहले 5:30-6 बजे, और इसमें 6 घंटे जोड़ दीजिए, 12:30-12 तक जो कुछ खाया सब हजम हो गया। अब आप सवेरे उठे 6 बजे, तो 6 घंटे आपका पेट खाली रहा। इस 6 घंटे के खाली पन में पेट में एसिड आया, अम्ल आया और वो जमा हो गया। अब इस अम्ल को आपको न्यूट्रल करना है, नहीं तो ये तकलीफ कर देगा। इसको न्यूट्रल करने का सबसे सरल उपाय है मुंह की लार अंदर जाए, तो मुंह की लार को अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है पानी पी लो। पानी भी अम्ल को कम करता है और मुंह की लार को ज्यादा करता है। इसलिए आयुर्वेद में नियम बताया गया सुबह उठते ही पानी पीना। इसको स्वामी रामदेव जी अपने व्याख्यानों में कहते हैं, आपने टीवी चैनल पर सुना होगा या कभी उनका चेन्नई में शिविर हुआ तो आपने उनका शिविर भी किया होगा। वो कहते हैं उषापान करो। उषापान का मतलब यही है, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, क्योंकि अंदर जो तेजाब इकट्ठा हो गया, अम्ल इकट्ठा हो गया, इसको डाइल्यूट करना, इसको कम करना पानी मदद करेगा, और पानी के साथ लार जाएगी तो वो भी मदद करेगा। पानी पीना उठते ही इसका कारण है, और पानी पीने का तरीका वही है, भूख भूख पिए। उठते ही पानी पीना शुरू कर दीजिए, 2-3 दिन में पेट इतना अच्छे से साफ होने लगेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। कैसे? जैसे उठते ही आपने पानी पी लिया तो सारा पानी पेट खाली होने के कारण बड़ी आंत तक पहुंच जाता है, तो और बड़ी आंत में ही मल फंसा हुआ रहता है। तो पानी वहां पहुंच गया जहां मल फंसा हुआ है, तो मल को निकालेगा, उसका प्रेशर आएगा, तुरंत आप जाएंगे टॉयलेट पर पेट साफ हो जाएगा। 2 फायदे हैं, उठते ही पानी पिएंगे तो अम्लता कम हुई पेट की, दूसरा एक फायदा है कि मुंह की लार रात भर जो तैयार हुई वो सब अंदर चली गई, तीसरा फायदा है पानी पीते ही पेट में दबाव पड़ा, बड़ी आंत का दबाव पड़ा, पेट आपका साफ हो गया। और आयुर्वेद में सभी ज्ञानी पंडित आज तक ये कहते रहे हजारों साल से कि जिनका पेट सवेरे एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता। जिनका पेट सवेरे एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता। ये बहुत ऊंची बात है। पेट की सफाई जिनकी हो जाती है सुबह एक बार, वो बीमारी नहीं पड़ सकते, क्योंकि पेट की सफाई नहीं होने से सैकड़ों बीमारी, कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है अगर पेट साफ नहीं हो रहा, और एक कब्जियत 103 से 104 रोगों को बुला लेती है। कब्जियत पहले आती है, उसके बाद रोग आना शुरू हो जाता है। आजकल मैं जब भी मरीजों को देखता हूँ तो बहुत सारे मरीज जिनका जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, अंत में जब उनकी डायग्नोसिस करते करते मैं पहुंचता हूं तो पता चलता है कब्जियत।
अगर पेट आपका सवेरे साफ हो रहा है बराबर, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ेगा कभी, कभी भी ओबेसिटी नहीं आ सकती, वजन नहीं बढ़ सकता, घुटने नहीं बढ़ सकते, कमर नहीं बढ़ सकती, कंधा नहीं बढ़ सकता, संधिवात नहीं हो सकता, गाउट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कचरा सब निकल रहा है ना, फिर विष है कहां शरीर में, 24 घंटे में जितना विष तैयार हुआ सुबह सब निकल गया तो शरीर साफ। और ये ध्यान रखना है आपको, ये पानी की मदद से ही होगा। आपकी कब्जियत 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 50 साल की, इस एक नियम से ही खत्म हो जाएगी, सुबह उठते ही पानी पीना।